केपीके के बाद सिंध के तलबा के लिए भी बड़ी खबर आ गई। एमडी कैट पेपर लीक की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल, इम्तिहानात दोबारा करवाने की सिफारिश कर दी गई। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज पेपर लीक होने की इंक्वायरी टीम ने मुजरमाना अमल के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश कर दी। इंक्वायरी रिपोर्ट निगरान वजीर सेहत सिंध प्रसाद खालिद न्याज को मौसूल हुई। इससे कबल खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना ने फैसला किया था एमडी कैट 2023 का इम्तिहान एक बार फिर मुनाकिद किया जाएगा। फैसले से पिशावर हाई कोर्ट को मुतला कर दिया गया। सूबाई काबीना ने इत्तेफाक किया कि एमडी कैट टेस्ट को अगले 8 हफ्तों में दोबारा तरतीब दिया जाए। एमडी कैट के 10 सितम्बर को मुनाकिदा इम्तिहान में तकरीबन 219 उम्मीदवार बशमूल मर्द और खवातीन ब्लूटूथ डिवाइसेज का इस्तेमाल करते हुए धोखादही करते हुए पकड़े गए थे। ये उम्मीदवार धोखादही के मुबैना सरगना और उसके भाई के साथ पहले ही सलाखों के पीछे हैं।